जय जीतिया बाबा। प्रेम से बोला जीतिया भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में जीतवान भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। जय जीतिया बाबा। गुरु भाई बहना, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम दुखिया था और एक का नाम सुखिया था। सुखिया जो थी बड़ी गरीब अमीर घराने में थी, बहुत अमीर घराने में। उनका घर में दाय दासी नौकर चाकर सब कुछ था। आ बेचारी दुखिया जो थी, दुखिया बहुत गरीब घराने में थी। दुखिया जो थी दूसरे के घर में झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, तभी उसका चूल्हा जलता था, क्योंकि दुखिया के पति नालायक थे, कोई काम नहीं करते थे। ओ दिन भर घर में सोए रहते थे, दुखिया को डांट फटकार लगाया करते थे। बेचारी दुखिया के तीन बच्चे भी थे, तो इसका जीवन पालन बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन का बात है कि सुखिया आई दुखिया के घर, दुखिया से मिलने और कहती है कि बताओ बहन अपना कुशलता। दुखिया के आंखों में आंसू भर गया और कहती है कि बहन मेरा कुशलता तो ठीक है, अपनी सुनाओ। सुखिया बोली कि क्या बताऊं बहन, मेरा तो ऐसा आराम का जिंदगी है, मेरा घर में तो दाय दासियां लगा हुआ है, मेरा घर में तो किसी चीज का कोई प्रकार का कोई कमी नहीं। आजकल कैसे तुम्हारा जीवन पालन चल रहा? बेचारी दुखिया कहती है कि बहन मैं क्या बताऊं, मैं तो दूसरे के घर झाड़ू, दूसरे के घर पोछा और दूसरे के घर बर्तन चौका सब करते हैं, तभी मेरा पेट चलता है। क्या कहूं बहन, मुझसे तो कहा भी नहीं जाता है, मेरे पति तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये बात सुनकर सुखिया बोली कि बहन तू मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो, मेरे घर का ही बासी खाना और चावल का खुद्दी कुछ भी रहेगा तो दे देंगे, मेरे घर झाड़ू लगा देना और मेरे घर बर्तन धो देना, मेरे घर कपड़ा साफ सफाई कर देना, घर को साफ सफाई करना, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। बोले ठीक है बहन, किसी के घर तो जाते हैं ना, तो तुम्हारे घर ही आ जाएंगे और आकर हम काम कर देंगे। दूसरे दिन से बेचारी दुखिया सुखिया के घर में जाने लगी और जाकर बर्तन धोती थी, कपड़ा धोती थी, झाड़ू लगाती थी, चौका करती थी, भोजन भी बना दिया करती थी। धीरे 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 समय बीतता गया और समय बीत जाने के बाद आसिन मास कृष्ण पद छवीं का दिन था, तो कहती है कि बहन कल नहाई खाए है जीवित पुत्रिका का, थोड़ी सी चावल दे दो बहन, अपना घर जरा अच्छे भोजन बनाएंगे और अपने बच्चे का खिलाएंगे। ये बात सुनकर डांट फटकार देने लगी सुखिया और कहती है कि ये कभी दोबारा नाम भी मत लेना। बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। वो खुद ही ले जाती थी चावल, फटकती थी दाल का चावल का जो खुद ही रहता था, वो ले जाती थी बनाती थी। वो बेचारी सप्तमी के दिन आई और इसके घर सुखिया के घर जो साग था, साग बन रहा था, तो साग अच्छे अच्छे साग रख दी और डंडल जो था डंडे, वो बेचारी दुखिया अपना लिए रख ली। चावल फटकी, आगे वाला जो खुदी था खुदी छाट ली अपना लिए और फ्रेश चावल का भोजन दुखिया के घर में बना दी, दुखिया सुखिया के घर में बना दी और वही डंडल का साग और खुदी का चावल लेकर घर गई। अपने घर बड़े प्रेम से भोजन बनाई, खुदी का चावल और डंडे का साग, डंडे का साग बनाई
अपने बच्चे का खिलाई, अपना पति का भी भोजन दी। बेचारी दुखिया अपने भोजन नहीं की थी, तभी एक बूढ़ी माता दरवाजा खटखटाए। जब दरवाजा खटखटाए तो बेचारी दुखिया दरवाजा खोली। एक बूढ़ी माँ थे जिनका बाल पका हुआ था, 100 बरस की माता थी, सफेद साड़ी में, हाथ में डंडे था। कहते हैं कि अरे बेटी, जरा मुझे रहने का जगह दे दो। माता बैठ गए, दुखिया बड़े प्रेम से अपने झोपड़ी में बैठाई। क्या बनाई हो भोजन? दुखिया कहती है कि माँ जी, मैं डंडल का साग और खुद्दी का चावल बनाया हूँ। अरे बेटी, जरा मुझे भोजन करा दो। तो ठीक है माँ जी, आप यदि ऐसा भोजन करने को लिए तैयार हैं तो मेरे घर आप प्रेम पूर्वक बैठ के भोजन कर लीजिए। प्रेम पूर्वक बैठ के ओ बूढ़ी माता भोजन किए, और भोजन करके कहते हैं कि बेटी, रात्रि बहुत चल गया है, अब हम घर कैसे जाए? मेरा घर दूरी पड़ता है, इसीलिए बेटी सोने का जगह दे दो। दुखिया अपना बिस्तर छोड़ दी और कहती है टूटी खाट पर कि माता, इस पर सो जाइए। उस टूटी खाट पर माता सो गई और फटी चटाई पे दुखिया सो गई। जब आधी रात हुआ है तो माता, बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटी, मुझे तो बहुत जोरों से लघुशंका लगा है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी, चलिए मेरे आंगन में आप कर लीजिए। बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटी, क्या आंगन में बैठ जाऊं? तो हाँ, आप इसी आंगन में बैठ जाइए, एक कोने में, हम सुबह में साफ सफाई कर देंगे। बूढ़ी माता कहते हैं, वो तो जितिया माई थे, बस परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं कि बेटी, मैं झड़झड़ करूं या पड़ पड़? तो कह दी दुखिया कि माता, पड़ पड़ कर दीजिए। अब ऐसा बोले तो माता लघु शंका किए, हाथ अपना धोए, धो धा के कहते हैं, बेटी मेरा हाथ गीला हो गया, मैं कहाँ पोछूं? दुखिया बोली कि माँ जी, मेरा बाल में पोछ लीजिए, मेरा बहुत बड़ा बड़ा बाल है। अपना बाल में माता को बोली हाथ पोछने को लिए, और माता हाथ उसको बाल में पोछ लिए। सवेरा होने पर देखती है कि दुखिया हो तो माता मेरे घर में है ही नहीं, कहाँ चले गए माता? अरे माता नहीं है। चारों तरफ खोजी करती, याद आया कि अरे माता जी तो कोने में लघु शंका के लिए गए थे, तो देखते हैं। देखने लगी तो देखती है दुखिया कि अरे, वो तो सोने का सील पड़ा हुआ है। सोने का सील देखकर बेचारी बड़ी खुश हो गई, उठा के घर में रख दी, और उठा के रख के स्नान करने गंगा जी में गई तो उसका बालों का पानी जो गिर रहा है उसमें सोने झर रहा है, हीरे मोती झर रहा है। गंगा जी में सब लोग देखे तो कहते हैं कि अरे दुखिया, तुम्हारा बालों से तो सोना गिर रहा है, पीला पीला क्या गिर रहा है देखो। बेचारी दुखिया बाल धोते हुए देखी तो देखती है कि मेरा बाल से सोना गिर रहा है। वो घर आ गई और घर में अपना आंगन में बाल धोई तो सोना पूरा हीरा मोती छितरा गया। दुखिया बटोर के रख दी, और बटोर के रख देने में उसको अच्छा लगा और बहुत खुशी से वो व्रत की, अपने बच्चे के लिए अच्छे अच्छे फलहरियाँ और अच्छे अच्छे भोजन बनाने के लिए बाजार से खरीद कर लाई और बनाई। नवमी के दिन बड़े प्रेम से व्रत तोड़ी, और जब भी बाल धोती थी दुखिया तो उसका बालों से सोना झड़ता था। अब इसे दूसरे घर झाड़ू और दूसरे घर पोछा, दूसरे घर बर्तन, बहन के घर नौकरानी बनना छूट गया, नहीं जाने लगी। दुखिया अपने घर बनाने के लिए काम लगा दी, बच्चे का अच्छे अच्छे कपड़े लाकर पहनाने लगी, खुद का भी अच्छा कपड़ा पहनने लगी। धीरे धीरे
इसका घर बन गया। सारे लोग जो थे बड़े चकित करने लगे कि बेचारी बड़ी गरीब थी और देखिए इसके पास सब कुछ धन हो गया। जितवान भगवान के पास कृपा से उसके पास धन हो गया। एक दिन का बात है कि फिर से आई सुखिया, तो पता चला कि दुखिया का घर तो बहुत महल बदन बन गया है। सुखिया के घर आई और कहती है कि बताओ कि ये सब धन कहाँ से लाई हो, हम जाएंगे राज दरबार में तुम्हारे बारे में बताएंगे और तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। बेचारी दुखिया कहती है कि बहन ये सब जितवान भगवान के कृपा से हुआ है, जितिया माई के कृपा से हुआ है, मुझे ये सब धन जितिया माई दिए हैं। कहते हैं कि कैसे, तो बहन मैंने तुमसे मांगा चावल और तूने नहीं दी, तो मैं खुदी का चावल और डंडल का साग बनाया और वही मैंने जितिया माता आए तो मैं उन्हें परोस दिया, मेरे घर खाए और बोले कि बेटी मुझे बहुत जोरों से लघु शंका लगा है, तो मैं बोला कि ठीक है माता जी कर लीजिए, लेकिन वो किए तो सोने हीरे जवरात में बदला हुआ था, कोई वहाँ पर गंदा नहीं था। माता ने बोले कि हाथ कहाँ पोछे, तो मैंने अपने बालों में पोछने को बोला और उस दिन से मेरा बाल से सोना और चांदी गिरता है। बोले कि तो ठीक है, हम भी इसी प्रकार हम भी करेंगे। सुखिया जो थी सुखिया अपना घर गई, घर जाकर इंतजार करने लगी कि जितिया का व्रत कब आता है। जब जितिया का व्रत का दिन आया तो क्या किया कि नहाई खाई के दिन खुदी का चावल बनाई और डंडे का साग बनाई, रात्रि में सभी को खा लिए लेकिन सुखिया नहीं खाई थी। रात्रि में जितवान भगवान कहते हैं यदि इसके घर नहीं जाएंगे तो मेरा मान सम्मान लोग भूल जाएंगे, इसलिए इसे कैसे छोड़ दूं, इसके घर भी जाना होगा। बूढ़ी का रूप धारण करके जितिया माई गए, दरवाजा ढकढकाए, झट से सुखिया खोल दी दरवाजा। कहते हैं बेटी मेरा घर दूर है, रहने का जगह देगी? सुखिया बोली माँ जी क्यों नहीं, मेरे घर आप रह जाइए। सुखिया के घर रह गए बूढ़ी माता, बाल पका हुआ सफ़ेद साड़ी में, हाथ में डंडे, उनके घर टूटी चप्पल, रह गए। जब रह गए तो कहते हैं बेटी क्या बनाई हो? माँ जी खुदी का चावल और डंडल का साग, थोड़ा खाना खिला दो। सुखिया भोजन परोसी और अपने से नहीं परोसी, दाई दासी के बोली, दाई दासी लाकर भोजन उसे दे दिए। बूढ़ी माता ने भोजन कर लिए। भोजन कर लेने के बाद कहते हैं बेटी हम सो जाएंगे। सुखिया जो थी अपना गद्दे गलीचे पे सो गई, टूटी चटाई माता को दे दिए सोने को लिए। माता जी टूटी चटाई पे सो गए। आधी रात हुआ तो कहते हैं बेटी मुझे बहुत जोरों से लघु शंका लग गया है। सुखिया कहती है अब बुढ़िया लघु शंका लग गया तो ठीक है, मेरा आंगन के कोने में कर लो, चलो बेटी पकड़ लो, हम थर थर कांपते हैं, गिर जाएंगे। बुढ़िया तेरा पांव में ताकत नहीं, जाके खुद के करो, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ नौकरानी, मैं एक राजरानी हूँ। जितवाहन माई ने जाकर आंगन में लघु शंका कर लिए। करने के समय कहते हैं बेटी मैं झरझर करूँ या पड़? कहती है सुखिया की माता झरझर ही कर दीजिए। सोची कि झरझर कहेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, पूरा झाड़ देंगे सोना चांदी। और ऐसा कह के और उन्हें पानी दी दो धा के, कहते हैं बेटी मेरा हाथ गीला है कहाँ पोछूं। सुखिया बोली मेरे बालों में। सुखिया बाल में पोछवा कर सो गई, माता टूटी चटाई पे सो गए। माता कब उसके घर से चले गए कोई पता नहीं। सवेरे होते ही पूरा सगरो गमकने लगा, गंदगी पूरा सगरो बदबू देने लगा। सुखिया कहती है कि ए बुढ़िया आई है पूरा घर में गंदगी फैला दी, हे भगवान नौकर चाकर से पूरे घर को साफ सफाई करवाई लेकिन फिर भी घर का गंदगी नहीं कम रहा था। सुखिया गंगा स्नान गई
और जब गंगा स्नान गई तो उसका बालों से पूरा गंदगी गिर रहा था। लोग उसके पास कोई नहीं थे, उसके करीब कोई नहीं रह रहे थे। सब कोई कहते हैं अरे कहने का तो राजरानी है, लेकिन इनका बालों से तो कितना गंदगी गिर रहा है, कितना लगता है जैसे कितना गंदा है। अब तो सुखिया बड़ी परेशान हो गई, व्रत करके पारण करके दौड़ी दौड़ी दुखिया के घर गई। दुखिया के बाल खींच के मारने लगी और कहती है कि चलो राज दरबार में तुम्हें ले जाएंगे, राजा साहब से शिकायत करेंगे। दुखिया बोली बहन क्या बात है जो ऐसे कर रही हो, तूने मेरे साथ धोखा दिया। मैं तो उस बुढ़िया को खाना भी खिलाया, मैं तो उस बुढ़िया को सोने को भी दिया, और आधी रात में बोली कि मुझे लघु शंका करना है तो मैं आंगन में ही बैठाया, पानी भी दिया उसको, हाथ पोछने को बोली तो मैं अपने बाल में पोछवा लिया। दुखिया बोली बहन ये तो बताओ, माता ने जब पूछी कि झरझर करे या पड़पड़ तू क्या बोली? अरे हम बोल दिए झरझर ही कर दो, पूरा घर में मेरा गंदगी फैल गया। दुखिया बोली नहीं बहन, मैं तो पड़पड़ बोला था। और तूने खाने में क्या बनाई? तो खुद्दी का चावल और डंडल का साग। अरे बहन मेरा घर तो नहीं था तो मैंने खुद्दी का चावल बनाया और डंडल का साग। तुम्हें तो पांचों प्रकार छत्तीसों आवरण बनाना चाहिए, 56 प्रकार के भोग लगाना चाहिए। दुखिया कहती है सुखिया से कि दीदी तुम पहचानने में भूल कर दी, वो कोई अजनबी थोड़ी थे, वो कोई ऐसा वैसा थे वही थोड़ी थे, वो तो जीतिया माई ही थे। दीदी तुम्हारे पास तो सब कुछ था लेकिन फिर भी तू खुद्दी का चावल और डंडल का साग बनाई, तुम्हें तो पांचों प्रकार 3600 आवरण 56 भोग लगाना चाहिए। मेरे पास तो नहीं था तो मैं खुद्दी का चावल और डंडल का साग बना कर दिया था। दीदी अब तुम्हें भलाई इसी में है कि भगवान के प्रार्थना करो और पूजा पाठ करो, भगवान से क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा शरीर ठीक हो जाता होगा, तुम्हारा घर अच्छा रहेगा। कहती है कि सुखिया तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। दुखिया बोली चलो गंगा के घाट पे। गंगा में दोनों बहन स्नान की, स्नान करके लोटे में जल लेकर कहती है कि हे गंगा माई, हे जितवान भगवान, हे सूर्यदेव, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो मुझसे भूल हुआ वो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ और मुझे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरे बालों का गंदगी और मेरे घर का गंदगी सब दूर कर दीजिए और मेरा सुख चैन लौटा दीजिए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से क्षमा मांगी सच्चे दिल से। दुखिया भी बोली कि हे भगवान मेरे बहन के जिंदगी में खुशियां फिर से आ जाए, दुखों का पहाड़ इस पे टूट गया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे कारण ही परेशान हो, इसीलिए हे भगवान इसका सारे दुख दूर कर दीजिए, कोई प्रकार का कोई दुख इसके पास ना रहे। ऐसा करके घर आई स्नान करके, इसका बाल पहले की तरह हो गया, घर में पहले की तरह हो गया और घर में सुख शांति मिल गया। सुखिया और दुखिया दोनों धनवान हो गई, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहा। उस दिन से सुखिया भी दुखिया को मान सम्मान देने लगी और प्यार से बातें करने लगी। जब दुखिया गरीब थी तब सुखिया कभी मान सम्मान नहीं देती थी, नौकरानी से भी बेहतर सलूक करती थी, लेकिन भगवान ऊपर वाला जब सहारा हो गए तो दुखिया भी सुखिया के बहन हो गई। और जब ऊपर वाला नजर फेर के रखे थे तो दुखिया एक नौकरानी थी। तो गुरु भाई बहना, कभी लोग को ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जितिया माई की जय, जितवान भगवान की जय।